स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन पहले आपको 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरा, आज तीन अथॉरिटी की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने की मुलाकात, अयोध्या एयरपोर्ट उद्घाटन में शामिल होने का दिया न्योता। जेपी नड्डा से भी मुलाकात, कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। हरदोई में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान, जल्द ही राजभवन से ओपी राजभर के मंत्री बनने की तारीख का होगा ऐलान। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मैं भगवान शंकर का पुजारी, मन बनाकर दूंगा श्राप तो हो जाएगा पीड़िया। 27 साल पुराने इंस्पेक्टर हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे को उम्र कैद, की सजा 14 में 1996 को इंस्पेक्टर रामनिवास यादव को मारी गई थी गोली, अनुपम दुबे समेत तीन लोग थे आरोपी। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के नतीजों को लेकर सपा अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, कहा तीन राज्यों में सत्ता के परिवर्तन के लिए हुआ मतदान, बीजेपी की बढ़नी चाहिए चिंता। राम मंदिर में आज से शुरू हुआ अर्चकों का प्रशिक्षण, 21 प्रशिक्षणार्थियों को 6 महीने तक मिलेगी ट्रेनिंग, राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की भी दी जाएगी जानकारी। ज्ञानवापी विवाद में आज फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ बोर्ड के वकीलों की बहस हुई पूरी, मंदिर पक्ष के वकीलों की बहस जारी। उन्नाव में देसी शराब पीने से तीन लोगों की बिगड़ी तबीयत, दो की मौत, एक की हालत गंभीर, आईजी तरुण गाबा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ली हालात की जानकारी। मथुरा में खनन माफियाओं की बड़ी हिमाकत, कार्रवाई करने पहुंची राजस्थान पर हमला, होमगार्ड को ट्रैक्टर से नीचे फेंका, मारपीट कर छुड़ा ले गए तीन ट्रैक्टर।